नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ज्ञान बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आज हम लोग चलते हैं भटिंडा फॉल। मतलब चलना क्या है, मैं भटिंडा फॉल में ही खड़ा हूँ और आप सभी को मैं भटिंडा फॉल दिखाऊंगा। तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ब्लॉग में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए चलते हैं फॉल की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भटिंडा फॉल के नज़दीक अभी खड़ा है और पानी बहुत ही तेज़ बह रही है, बहुत ही तेज जलधारा जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए और मौसम भी बहुत ही अच्छा किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। देखिए आसमान में बहुत ही अच्छे नीले नीले बादल, थोड़ा धूप है, थोड़ा बादल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बारिश की वजह से जल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और देखिए दूर दूर से लोग आए हुए भी हैं, शूटिंग चल रही है, बहुत से लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो जल के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि बहुत ही गहरा है ये भटिंडा का फॉल। देखिए ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है। चारों तरफ हरा भरा। देखिए यही है भटिंडा का फॉल। यहाँ पे लोग काफी दूर दूर से आते हैं, इस फॉल में शूटिंग चलती है, हिंदी, भोजपुरी, बांग्ला, खोटा, हर तरह का एल्बम यहाँ पे शूट करने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। तो अगर आप आएँ यहाँ पे तो बड़ों के साथ आएँ, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ आएँ और पानी के नज़दीक ना जाएं। बहुत ही देखने लायक ये जगह है। आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल घंटे को भी दबा दें ताकि मैं कुछ भी डालूं लेटेस्ट तो पहुंचे आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद।